फर्जी तरीके से तमंचा दिखाकर जेल भेजे गए शुभम के परिजन पहुंचे भोपा। पुलिस उपाधीक्षक को सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर को शुभम को पुलिस ने शुक्रताल के गंगा घाट पर से उसके फूल प्रसाद की दुकान पर से ही गिरफ्तार किया था, जिसमें पुलिस के मुताबिक शुभम के पास से तमंचा बरामद किया गया है। तो वहीं शुभम के परिजनों और घाट पर मौजूद लोगों का कहना है कि शुभम दोपहर करीब 2 बजे खाना लेने के लिए अन्य क्षेत्र में गया था, जिसके आने के बाद पुलिस ने उसकी दुकान पर छानबीन शुरू की और तमंचा रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर ली गई। आज शुभम के परिजनों के साथ आए सैकड़ों लोगों ने सीओ भोपा को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पंडित काले चरण, ये एक प्रकरण सामने आया है जिसमें आपके पुत्र को परसों पुलिस वालों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तमंचा उसके पास से बरामद किया गया है पुलिस के अनुसार, तो पूरा मामला क्या था? ये मामला पूरा ये है, वीर प्रकाश ये लड़के से मेरी लड़की की शादी हुई, करीबन 2 साल हो गए अंकुर से, और उस प्रकरण उससे पहले भी उसकी 2 शादी हो चुकी है, उनका हमें उसने पता नहीं लगन दिया, धोखे से हमारे से शादी करा ली। चलो शादी होगी सारे हो गए, उसने लड़के को प्रताड़ित करना शुरू करा, पहले थोड़ा, फिर उसकी जायतियाँ बढ़ती गई, बदतमीजी। वो कह रहा है मेरी लड़की को अगर मेरे पास सोना पड़ेगा, वीर प्रकाश जो लड़के का बाप है वो कह रहा है मेरे पास सोना पड़ेगा अगर यहाँ पर रहना है। लड़की मेरे पास आ गई, पुलिस में केस दर्ज हुआ महिला थाने में, उसके बाद में मसला कोर्ट में चला गया। कई बार उसने हमारे यहाँ से बदमाश भेजे, कई नेता भेजे, कई दबंग आदमी भेजे, एक दो बार मारपीट भी हुई, गाली गलौच भी हुई, सारे काम उसने करा लिए, हमारा मकान खाली करा दिया, मेरे बड़े लड़के को वहाँ से हटा दिया। सुखदेव आश्रम पर 12 साल से नौकरी कर रहा था, उसे पैसे दे के वहाँ से हटा दिया। मेरे नाम एक जोड़ी गंडास से 500 रुपये दे के नौकर को गोपाल दास के मेरे नाम चोरी लगवा दी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें ये हमें परेशान करो गया। लड़की फिलहाल अब हमारे पास है, लड़की अब जाना नहीं चाहती, 7 महीने का बच्चा है उस पर, और उसने दरोगा को पैसे दे गए और मेरे लड़के को झूठ फंसा दिया कट्टा, आगे इसके पास से बरामद हुआ। मेरा लड़का खाना गंगा घाट पर फूल प्रसाद का ठिया लगाता है, और वो दोपहर का खाना लेने के लिए उसमें रसोई में गया, तो वहाँ से जब वो आया इतने में उसने दरोगा ने और वीर प्रकाश ने दोनों ने साजिश करके वो थैला सीमेंट का थैला है उसमें एक कट्टा जर लगा हुआ बड़ा काफ़ी पुराना वो रख दिया, और चालबाजी से दरोगा ने 2-3 बार दौड़े खिला दिए, 2-3 बार उठा बैठा और वहाँ से वो मेरे लड़के